सो गाइस कल है 22 अगस्त का। कल से लॉन्च होने वाला इंडियन टेलीविजन पर चार बड़े शो, जिसके लॉन्च होने से कुछ शो ऑफर होते हुए नजर आने वाला है, वहीं कुछ शो की टाइम स्लॉट में हम लोग को चेंजिंग नजर आने वाला है कल से। तो दोस्तों कौन कौन सा चार शो है आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम रजो शो के बारे में बात करते हैं। तो रजो शो हम लोग कल से देखने को मिलने वाला है स्टार प्लस पर शाम के 7 बजे, जिसके आने से कभी कभी इत्तेफाक से सीरियल ऑफर चला गया है। और इस सीरियल में हम लोग को लीड एक्टर के तौर पर नजर आने वाले हैं राजवीर सिंह, और राजवीर सिंह के ऑपोजिट नजर आने वाली सेलेस्टी बरागी। इन दोनों की जोड़ी हम लोग को देखने को मिलने वाली है रज्जो शो में। अब अगले सीरियल के बारे में बात करें तो अगला सीरियल है शावी की सवारी, जो कि हम लोग को कल से देखने को मिलने वाला है कलर्स टीवी पर शाम की 6:30 बजे, जिसके आने से हम लोग को ससुराल सिमर का सीजन 2 के टाइम स्लॉट में चेंजिंग देखने को मिलने वाला है। यानी कि हम लोग को कल से जो देखने को मिलने वाला है ससुराल सिमर का सीजन 2 एक न्यू टाइम स्लॉट पर शाम की 6 बजे, या जो शाम के 6:30 बजे वाली टाइम स्लॉट लेने वाला है, जिसमें हम लोग को लीड एक्टर के तौर पर नजर आने वाले फरमान हैदर, और फरमान हैदर के ऑपोजिट नजर आने वाली है समृद्धि शुक्ला। इन दोनों की जोड़ी नजर आने वाली हम लोग को सावी की सवारी सीरियल में। अब अगले शो की ओर बढ़े तो अगला शो है अली बाबा दास्ताने काबुलिया। शो भी हम लोग कल से देखने को मिलने वाला है सब टीवी पर रात की 8 बजे, जिसके आने से शुभ लाभ शो ऑफर चला गया है सब टीवी से। इस सीरियल में हम लोग को लीड एक्टर के तौर पर नजर आने वाले है सिजेन मोहम्मद खान, और सिजेन मोहम्मद खान के ऑपोजिट नजर आने वाली है तुनिसा शर्मा। इन दोनों की जोड़ी नजर आने वाली सब टीवी के अपकमिंग न्यू शो अली बाबा दास्ताने काबुल में। अब अगले शो की ओर बढ़े तो अगला शो का नाम है संजोगिया। शो भी हम लोग कल से देखने को मिलने वाला है रात के 10 बजे जी टीवी पर, जिसके आने से जी टीवी के शेयर काशी भाई बाजीराव बल्लव शेयर को ऑफर कर दिया गया है जी टीवी से। और इस सीरियल में हम लोग को लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आने वाली है कामिया पंजाबी, और कामिया पंजाबी के साथ साथ हम लोग को सैफ अली शर्मा भी नजर आने वाली। दो माँ की जो कहानी हम लोग को देखने को मिलने वाली है इस शो में। तो दोस्तों ये चार बड़े शो हम लोग कल से इंडियन टेलीविजन के अलग अलग चैनल पर देखने को मिलने वाला है, जिसके लॉन्च होने से कुछ शो ऑफर चला गया है और कुछ शो की टाइम स्लॉट को चेंज कर दिया गया है। तो दोस्तों इन चार शो में से कौन सा शो को आप कल से देखने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है, नीचे कमेंट सेशन पर अपने फेवरेट शो का नाम जरूर बताइएगा। दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि टेलीविजन से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट हम आप सभी के लिए लाते रहते हैं। अभी के लिए दीजिए फिलहाल हमें इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली नई किसी वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।